नमस्कार, संस्कृत विजडम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत में लघु निबंध लिखेंगे। संस्कृत वाक्य का हिंदी अनुवाद भी मैं बताऊंगी। आज के हमारे लघु निबंध का विषय है भारतीय स्वातंत्र्य दिनम। 15 अगस्त को हम भारत देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगस्त मासस्य पञ्चदशः दिवसः भारतस्य स्वातंत्र्य दिनम् अस्ति। अगस्त महीने का 15वां दिन भारतीय स्वातंत्र्य दिन होता है। एतस्मिन् दिने प्रातः काले विद्यालयेषु कार्यालयेषु च ध्वजारोहणं भवति। इस दिन सुबह विद्यालयों और कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है। छात्राः अध्यापकाः च क्रीडांगणे सम्मिलन्ति। छात्र और अध्यापक मैदान में सम्मिलित होते हैं। प्रथमं ध्वजारोहणं भवति। सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाता है। अनंतरं सर्वे राष्ट्रगीतम गायन्ति। उसके बाद सब लोग राष्ट्रगीत गाते हैं। विविधानां कार्यक्रमाणां अपि आयोजनं भवति। विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री महोदयः देहली नगरे ध्वजारोहणं करोति। दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करते हैं। अयम दिवसः राष्ट्रीयः उत्सवः अस्ति। यह दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। एतत् दिनं राष्ट्रीयः अवकाशः अपि अस्ति। यह दिन एक राष्ट्रीय अवकाश भी है। एतेन उत्सवेन देशभक्तिः वर्धते। इस उत्सव से देशभक्ति की वृद्धि होती है। इस वीडियो में हमने आज भारतीय स्वातंत्र्य दिनम इस विषय पर संस्कृत में लघु निबंध लिखना सीखा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।